One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नमस्कार सर, मैं रोहित शर्मा टचअप.com से। सर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर कुछ ही जो अभी हमारा यमुना एक्सप्रेसवे खुल गया है सर, उसमें इसका क्षेत्रीय विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का उद्देश्य मैडम मायावती जी की सरकार ने निर्णय लिया था जी कि ये एक्सप्रेसवे बनाया जाए जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसके एग्रीमेंट में हैं जी, जिससे खासतौर से जो क्षेत्रीय किसान हैं हमारे जी, उनको भी इसका लाभ मिले। वो शर्तें इस एग्रीमेंट में पहली सरकार थी मैडम मायावती जी की सरकार, उसने डाली जी। खासतौर से इसका उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिनकी लैंड इसमें, जिन गांवों की जमीन इसमें गई है जी, उनको भी इसका कैसे लाभ है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि जो सर्विस लेन जी जी बिल्कुल, वो वहाँ इससे शुरू होने से पहले सर्विस लेन बनाया जाना प्रस्तावित थी जी, जो बननी थी आगरा तक जी। तो सर्विस लेन का लाभ इसलिए होता कि जो गाँव के लोग हैं जी, किसान हैं जो गाँव इससे जुड़े हुए गाँव हैं जी, उनको आने जाने के लिए बिना टोल के वो आ जा सकते थे और उनकी एक्सेस उनको बहुत आसानी से उन गाँवों को जाने को मिल जाती। लेकिन इन्होंने अभी तक केवल दनपोर तक, जहाँ इनका फॉर्मूला वन ट्रैक है, वहीं तक सर्विस रोड बनाया। तो हमारा सबसे पहला विरोध है कि वो सर्विस रोड बनना चाहिए जी। उसके बगैर इस बगैर मतलब जो क्षेत्र के किसान हैं उनको एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, और उनको टोल पे करना पड़ेगा जी। दूसरा हमारा इंटरचेंज जो जेवर दूसरा महत्वपूर्ण कस्बा हमारा यहाँ पड़ता है, मेरी लोकसभा क्षेत्र का जी जी, जो अंतिम कस्बा है जी, वहाँ इंटरचेंज बनना था जहाँ उतरने के लिए लोगों को जी जी बिल्कुल, तो उसका भी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इंटरचेंज इन्होंने चालू नहीं किया है जी बिल्कुल। तीसरा हमारा है कि जो किसान हैं उनको टोल फ्री होना चाहिए, टोल का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाना चाहिए जी। तीसरी जो सुविधाएँ हैं, जैसे पेट्रोल की डीजल की सुविधा है, जैसे खान पान की सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जी, जो इस पर होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है। इसलिए हमारा विरोध था और हमने प्राधिकरण ने और इन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा, अगर हम उनसे एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये काम नहीं किए तो हम इस रोड को नहीं चलने देंगे। और इसका लाभ जिसकी परिकल्पना अभय मायावती जी ने की थी, उसके क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल पाया जी। सर अभी समाजवादी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट को आगरा ले जाने का प्रस्ताव बनाया, सर इस क्षेत्र के विकास के विपरीत परिणाम क्या होगा? देखिए, इससे हिंदुस्तान का पहला ऐसा अकेला प्रोजेक्ट था जी सर, कि जहाँ भी अगर आपने देखा हो कि आज भी एयरपोर्ट पास हो जाता है प्रस्तावित, लेकिन वहाँ लैंड नहीं होती जी सर। लेकिन ये अकेला इस देश का पहला प्रोजेक्ट था जहाँ ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड थी जी सर, जहाँ आइडेंटिफाइड थी लैंड जी। और NCR में अगर आप दुनिया में जाएँ जी सर, दुनिया में जाइए तो हर नेशनल कैपिटल में 2 से 3 एयरपोर्ट यहाँ हैं जी जी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका था जी, इस एयरपोर्ट बनने का इस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलता, पूरे नोएडा के क्षेत्र से सर पूरे प्रदेश का लाभ होता। और इसी के साथ साथ जो फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बनना है वो भी इसके साथ प्रस्तावित, फ्रेट कॉरिडोर भी इसके साथ है, एक्सप्रेस वे इसके साथ है, मेट्रो यहाँ प्रस्तावित थी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक एयरपोर्ट के नीचे वो यहाँ था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति से हमें इसको अलग रखना चाहिए। मैन मायावती जी ने जो प्रस्ताव ये बनाने का, मैन मायावती जी की सरकार ने जो प्रस्ताव किया था, केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृत नहीं किया राजनीतिक कारणों से जी सर। इससे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ और इसका नुकसान जिन लोगों ने किया है कि आने वाले 2014 के चुनाव में जनता क्षेत्र की उनको जवाब देगी। मेरा सर सर अट्टा चौक में आपने समय देने के लिए धन्यवाद सर।